माता दी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, सब भले चंगे होंगे। देखिए, मैं पूजा कर रही हूँ, मॉर्निंग का मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ पूजा कर लेती हूँ। चलिए आप लोग भी देख लीजिए। पहले तो मैं हर रोज आपको पूजा ही शेयर करती हूँ, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, लेकिन मैं पूजा से स्टार्ट करना में मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं पूजा से स्टार्ट करती हूँ। देख लीजिए मेरा पूजा, माता रानी का मैंने भोग लगा दिया है और फूल भी चढ़ा दिया है। देखिए, दिया हुआ जला दिया है माता रानी का मैंने। यहाँ पे देखिए एक तस्वीर है, लेकिन अंधेरा अंधेरा हो जाता है थोड़ा सा। ये देखिए मेरा पूजा वूजा हो गया, मैं जा रही हूँ सुबह का चाय बना लेते सबसे पहले, उसके बाद चाय बना के ब्रेकफास्ट की तैयारी होगी। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। देखिए चाय मेरा बन रहा है और मैं ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही हूँ साथ में ही। देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी आज। ये देखिए मेरा चाय बन गया, आप चाय पी के मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, आप लोग भी आ जाइए चाय पी लीजिए। देखिए मैं यहाँ मसाले निकाली हूँ, आलू सोयाबीन की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और देखिए यहाँ पे जीरा है, हल्दी है और ये धनिया है, और ये देखिए मर्चा पाउडर है। और देखिए मैं मसाले पीस ले रही हूँ, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च है वो लाल थोड़ा हो गया है, और वो सब कुछ मिला के मैं पहले पीस ले रही हूँ। देखिए कुकर में मैं आलू चढ़ा दी हूँ और सब कुछ करके उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ, पहले इसको पीस के रख ले रही हूँ। ये देखिए मैं मसाले पीस ले रही हूँ, ये मिक्सी में पहले पीस के रख ले रही हूँ, नहीं तो लाइन कट जाएगा तो फिर नहीं पीस पाऊँगी, इसलिए मैं पीस ले रही हूँ पहले। ये देखिए मैंने मसाले पीस लिया। देखिए सोयाबीन बरी मैंने निकाल कर रखा है और प्याज भी कट कर लिया है और टमाटर भी निकाल लिया, और मसाले में मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया है। और देखिए ये वाला सोयाबीन बरी मैं इस्तेमाल करती हूँ, न्यूट्रेला सोया चंक्स, और मैं गरम पानी चढ़ा दी हूँ। मैं गरम पानी में पहले धो लूँगी अच्छी तरह से उसमें डाल के, और उसके बाद ठंडे पानी से भी मैं दो तीन चार बार धो अच्छे से धो के, और उसके बाद मैं सोयाबीन बरी को बनाने वाली हूँ। देखिए मैं गरम पानी में सारा सोयाबीन बरी डाल दी, और अभी ये देखिए फूल ये धो के मैं निकाल के ले आई हूँ, और आलू भी मेरा उबल गया, मैं छील ली हूँ अच्छी तरह से सब आलू उलू। और ये देखिए सोयाबीन बरी का पानी निचोड़ निचोड़ के मैंने निकाल के रख दिया है, अब मैं इसे भून दूँगी, थोड़ा फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। ये देखिए मैं तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में, और तेल डाल के मैं इसमें अब सोयाबीन बरी भूनूंगी, और इसमें देखिए मैं सोयाबीन बरी डाल दे रही हूँ, उसके बाद अच्छी तरह से इसे भून लूँगी, और भून के उसके बाद इसमें ये भून के भून जाएगा, उसके बाद मैं इसमें प्याज व्याज भूनूंगी इसी कढ़ाई में। ये देखिए मेरा सोयाबीन भरी भून चुका है, और मैं इसी कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डाल के मिर्च तेज़पत्ता और जीरा ये सब डाल के मैं उसमें प्याज भूनूंगी। और प्याज देखिए मैंने प्याज डाल दिया है, दो प्याज है, और प्याज को भून के हल्का, और उसके बाद मैं सारे मसाले जो दिखाए थे सारा अदरक लहसुन ये सब वो सब मैं डाल दूँगी इसमें। और ये देखिए मेरा सोया चंक्स कैसे भून ली हूँ मैं, कैसे इसमें थोड़ा सा मैं नमक भी ऐड किया था वो नहीं दिखा पाई। ये देखिए आलू मैंने कट कर रही हूँ, और ये देखिए मसाले मैंने सारा डाल दिया है।
देखिए मैं मसाले भून रही हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए टमाटर मैंने डाल दिया है, दो दो तीन छोटे छोटे थे इसलिए मैं तीन चार डाल दी हूँ छोटा छोटा टमाटर। और इसमें टमाटर अच्छी तरह से जब भून गल जाएगा तब जाके मैं इसमें आलू भी डाल के और सोया चंक्स डाल के थोड़ी सी फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें ठीक है नमक भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। ये देखिए मैं टमाटर मेरा गल चुका है, अब मैं इसमें आलू और डाल दी हूँ और मिला के फिर उसके बाद सोया चंक्स भी मिला दूँगी और मिला के अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई करके और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी पानी डाल दूँगी। फिर उसके बाद पानी उबल जाएगा तब मेरा सब्जी तैयार हो जाएगा। देखिए मैं सोया बड़ी डाल दी हूँ और अब देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। और ये देखिए पानी डाल दी, अब अच्छी तरह से इसे पानी डाल के अब थोड़ा सा ढक के मैं रख दूँगी थोड़ी देर तक और उसके बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद मैं गैस बंद कर दूँगी। ये देखिए मेरा सब्जी तैयार हो गया है। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था इसलिए धनिया पत्ता नहीं बना डाला है और आपके पास है तो डाल लीजिएगा। ये देखिए मैंने रोटियां भी बना ली है और ये देखिए सब्जी और दही और रोटी। गर्मी में दही खाता इनने से पेट ठंडा रहता है इसलिए आप लोग भी खाइए और आ जाइए। थाली लग गया, आप लोग आके खा लीजिए। देखिए सब्जी कितनी टेस्टी दिख रही है और रोटी है, दही है, सब्जी है, आइए खा लीजिए। नाश्ता मेरा बन गया, मैं लंच बना रही हूँ। ये देखिए चावल है, चावल बना रही हूँ मैं। और ये देखिए मैं मेरा सब्जी इधर बन रहा है और सब्जी और चावल और दाल बना, दाल भी थोड़ा सा मैंने बनाया है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही सा। चावल देखिए मेरा बन रहा है, चावल बन जाएगा उसके बाद मैं थाली लगा दूँगी। देखिए मैंने थोड़ा ही सा दाल बनाया है क्योंकि मैं नहीं खाती तो इन लोगों को थोड़ा दाल दे दूंगी। और एक कटोरी में एक ही कटोरी बनाया और ढक के रख दिया है और चावल भी बन रहा है मेरा। अब मैं चावल में पतीले में ही बनाती हूँ। देखिए थाली मैंने लगा दिया है, चावल है, सब्जी है और सैलेड है और दाल है, आइए आप लोग खा लीजिए। देखिए कितना अच्छा रंग बिरंगा मेरा थाली दिख रहा है, बहुत टेस्टी भी है खाना, सब्जी भी बहुत टेस्टी बना हुआ था, आइए आप लोग खा लीजिए। देखिए देखिए अब मेरा हम लोग का खाना जल्दी जल्दी हम लोग खाना वाना खा के और हमने कहीं जाना था इसलिए हम लोग चले गए थे। मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। ये देखिए मेरा मम्मी के पास मैं आ गई हूँ, मेरे मम्मी का दुकान
और देखिए यहाँ दुकान में क्या क्या मेरे मम्मी रखती है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। ये देखिए कुरकुरे, शैम्पू, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारा चीज़ है। और इतना बताने बैठूँगी तो मेरा वीडियो ही ख़त्म हो जाएगा इसलिए आप लोग देख लीजिए क्या क्या है, मैं दिखा दे रही हूँ कैमरा से। ब्रेड भी है देखिए, और मेरा मम्मी फ्रिज भी रखी है, फ्रिज में भी बहुत कुछ है। देखिए बाहर का, दुकान का बाहर का नज़ारा ये देखिए। और फिर आने में रात हो गया था इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, थोड़ा ही सा पिक है। ये देखिए बच्चा साइकिल चला रहा है, और देखिए ये देखिए मेरी मम्मी, ये देखिए मेरी मम्मी से मिलिए। मेरी मम्मी आप लोगों को हेलो बोल रही है, देखिए हंस रही है और हमसे बात भी कर रही है। हम लोग कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे और मम्मी दुकान को दिखा दे रहे थे, हम तो बोल रही थी दुकान दिखा रही है, हमने हाँ दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। मैंने फ्रिज खोल के, मम्मी का दुकान का फ्रिज है, देखिए इसमें क्या क्या रखा हुआ। बहुत सारा दूध का पैकेट है, कोल्ड ड्रिंक है, पानी है, और देखिए बहुत सारा सामान था। और ये देखिए मेरी मम्मी बैठी हुई है, बातें कर रही है। हम लोग दोनों माँ बेटी बातें कर रहे, आई हूँ मैं मम्मी से मिलने के लिए। और मम्मी बोल रही है कि आओ बैठो, अंदर बैठो आके। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करिए, लाइक करना ना भूलिएगा। और मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी आपके लिए। और देखिए मेरा पीछे गार्डन का है, और थैंक यू, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।